हमारे एरिया में भारी बारिश के कारण से आपको वीडियो नहीं दे पाया हूँ, इसके लिए आपको सॉरी। बट आज एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज आया है, नोटिस निकला है JSSC के थ्रू से। अगर आप पंचायत सचिव का फॉर्म भरे होंगे शुरू में एकदम फर्स्ट में, तो उस टाइम में ऑप्शन 2 लैंग्वेज पेपर ऑप्शन 2 का विकल्प नहीं देता था। अगर आप नहीं भी दिए होंगे तो भी आपका फॉर्म फिलअप हो गया होगा, लेकिन अगर वैसा होगा तो ये बहुत बड़ी गलती है, इस तरह के फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इसलिए आपको सुधारने का एक मौका दिया जा रहा है। तो एक नोटिस निकल के आया था जिसे मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, अब तो लैपटॉप या डेस्कटॉप मेरे पास नहीं था, मोबाइल से ही मैं कर रहा हूँ। अब इसको देख सकते हैं, इसे जूम करके दिखा देता हूँ। ये इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन परीक्षा वाला एग्जाम का था, आवश्यक सूचना के रूप में दिया गया। तो आप इसे अपने से रीड करना चाहते तो मैं लिंक दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे मैं बता देता हूँ, अगर आप लैंग्वेज पेपर 2 का विकल्प नहीं किए हैं तो ये लिंक आज 11 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक रहेगा। अपनी लॉगिन कर लीजिए जाके, मैं लिंक नीचे दे दूंगा, तो वहाँ पे प्लीज़ सेलेक्ट कर लीजिए हिंदी या तो इंग्लिश, आपका जो क्षेत्रीय भाषा होगा उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज आपका ये रिजेक्ट माना जाएगा। और दूसरी बात यह है कि वैसे विद्यार्थी जो पेमेंट कर चुके हैं लेकिन अभी तक किसी कारणवश वो फोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए भी ये विकल्प है। आप फिर से जाइएगा अप्लीकेशन फॉर्म में, री लॉगिन कीजिए, अपना फोटोग्राफी और सिग्नेचर अपलोड कर दीजिए जल्द से जल्द। 16 तारीख 8वां महीना 2017 तक लास्ट डेट है आपको अपलोड करने का, तो कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। अगर आप कंफर्म नहीं है कि आपका लैंग्वेज 2 सेलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसके लिए भी विकल्प दिया गया आपको नीचे इसी आवश्यक सूचना के पेपर में, नीचे पूरा लिस्ट दिया हुआ देख लीजिए आप। अगर इसमें आपका रोल नंबर है तब चेक कर लीजिएगा, अगर ऐसा पाया जाता है तो आपको जल्द से जल्द कर लेना चाहिए, अदरवाइज आपको 16 तारीख के बाद कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। ये बहुत ही आवश्यक सूचना था, मुझे लगा आप लोगों को बता दूं, इसलिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया मोबाइल से ही। और एक और सूचना इसमें दे दिया जा रहा है कि इसका जो परीक्षा का आयोजन है उस संभावित जो महीना बताया जा रहा है, देख लीजिए 5वां नंबर में लास्ट में वो है माह जनवरी फरवरी 2018 में। ये झारखंड में एग्ज़ाम घटता बढ़ता रहता है डेट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एग्ज़ाम डेट के बारे में डिटेल से जानकारी आपको देंगे हम कल या परसों, क्योंकि अभी तक इधर इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। ये जानकारी था कंप्यूटर ज्ञान एवं हिंदी टंकन में। अगर आप राजस्व कर्मचारी का फॉर्म भरें तो उसका भी नोटिस निकला, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। जैसा कि देख सकते हैं ये जो जानकारी है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा का है, और ये इंटरमीडिएट स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2017 जो अमीन का भरे होंगे राजस्व कर्मचारी का, उनके लिए। इसमें भी अगर आप अभी तक पेमेंट कर दिए हैं लेकिन अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड नहीं किए हैं, तो फिर से जाके री लॉगिन कीजिए उसी प्रोसेस से जिस तरह से पेमेंट किए थे, और अपना जल्द से जल्द फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड कर दीजिए, अदरवाइज आपका ये जो एग्ज़ाम होगा वो रजिस्ट्रेशन वो इनकम्प्लीट माना जाएगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इसका एग्जाम डेट दे चुका है, देख लीजिए मैं दिखा देता हूँ, पॉइंट नंबर 5 में देखिएगा, इस विज्ञापन के अधीन एक ही मुख्य परीक्षा होगा, एक ही एग्जाम होगा 3 पालियों में। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 2-2 घंटे का 3 एग्जाम होगा, आपको एक ही दिन में आयोजित की जाएगी। संभावित तिथि जो है 8/10/2017, गौर कर लीजिएगा, 8 अक्टूबर 2017 को आपका एग्जाम होगा, ये संभावित डेट है। अगर आपको पता नहीं कि आपका सिग्नेचर और फोटोग्राफ अपलोड किए या नहीं किए, तो नीचे बहुत सारा लिंक दिया हुआ है रोल नंबर के साथ में, रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ में, तो आप मिला लीजिए। अगर इतना नहीं मिलाना चाहते हैं तो लॉगिन कर लीजिए फिर से जाके, वहाँ चेक कर लीजिए, अगर आपको ऑप्शन दे रहा अपलोड करने का प्लीज़ अपलोड कर दीजिए, अदरवाइज आपका रिजेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते इतने विद्यार्थी हैं जो कि अभी तक अपलोड नहीं किए हैं, तो आपको इसे अनुमान लग जाएगा कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। मैं टोटल देख रहा हूँ, टोटल ये 22 पेज का है कर्मचारी वाला, इसमें जो मेंशन किया गया है टोटल संख्या 6,857 स्टूडेंट ऐसा है जो अभी तक पेमेंट कर दिए लेकिन फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं किए हैं। लास्ट पेज देख लीजिए, तो आप इस तरह से अपना तैयारी भी करना शुरू कर दीजिए कि कितने विद्यार्थी ये फॉर्म फिल कर चुके हैं। 6,857 विद्यार्थी अभी तक पेमेंट कर दिए हैं लेकिन वो फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना भूल चुके हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक पहुँच जाए जो अपना पेमेंट तो कर दिए हैं लेकिन किसी कारणवश अपना फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं कर पाए, और उन्हें लग रहा है कि उनका पैसा डूब गया, वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तब से नम्र निवेदन है, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको फ़ायदा हो पाए। और मैं वीडियो आपको कंटिन्यू देता रहूँगा लेकिन क्या करूँ, कुदरत के सामने सब फेल है। मैं चाहता हूँ वीडियो बनाऊँ, तब तक इधर इलेक्ट्रिसिटी इतना प्रॉब्लम करने लगा कि बैकअप ही नहीं मिल पा रहा मुझे बैटरी का।
तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेशन के रूप में ज़रूर शेयर कीजिए आप। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।